बुंदेलखंड वासियों हो जाओ तैयार, अब आपके पास है मौका। प्रसिद्ध कलाकार सपना चौधरी और प्रख्यात हास्य कलाकार एहसान कुरैशी से मिलने का रविवार 22 दिसंबर को घनाराम रॉयल गार्डन सूती मिल के पास ग्वालियर रोड झांसी। एक शाम सपना चौधरी और एहसान कुरैशी के नाम। जल्दी कीजिए, बस कुछ ही टिकट्स बाकी। टिकट्स के लिए कॉल कीजिए 9839481402 पर। एक शाम सपना चौधरी के नाम। कार्यक्रम आयोजक झांसी मीडिया क्लब, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर 92.7 बिग एफएम। धुन बदल के तो देखो। जालौन में कोच नगर पालिका का सीमा विस्तार होने पर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता आनंद अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि पालिका का सीमा विस्तार होने से अब नगर वासियों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट बैठक में नगरपालिका परिषद कोंच का सीमा विस्तार पर स्वीकृति मिल जाने के बाद नागरिकों में खुशी का माहौल है। सीमा विस्तार होने से लोगों को काफ़ी लाभ भी होंगे। इसी को लेकर कोंच नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता आनंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए अवगत कराया कि कैबिनेट की बैठक में जो नगरपालिका कोंच को सीमा विस्तार की मंजूरी मिली है वह वाकई में लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि आसपास के कई क्षेत्र पालिका सीमा में मिल गए हैं, जिससे नगर वासियों के साथ साथ आसपास के इलाके वाले लोगों को भी सुविधाएं मुहैया होगी। आपको बता दें कि कई सालों से नगर के लोग आस लगाए हुए थे, जिसको बीते रोज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मोहर लगा दी। जिसकी सूचना नगर व क्षेत्र के लोगों को मिली तो लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल बन गया। कोंच क्षेत्र की जनता ने कहा कि माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मूलचंद रंजन और सांसद जालौन भानु प्रताप वर्मा के अथक प्रयासों से यह संभव हुआ। प्रस्ताव तो काफ़ी टाइम से लंबे चल रहा था कैबिनेट में, क्योंकि लगभग इसको 20 साल हो गए यहाँ से प्रस्ताव जाए हुए, लेकिन यहाँ पे अभी जो हुआ है इसका सीमा विस्तार, हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी और भी जनप्रतिनिधि सांसद जी और पालिका यो और पूरा बोर्ड की उससे ही हुआ है। इन लोगों ने हम लोगों की सभी की मेहनत तो बहुत रही इसमें, तो लगभग जो क्षेत्र था जहाँ क्या है कि विकास नहीं हो पा रहा था, ना जो गांव में लग रहा था ना जो शहर को, हम लोग कुछ नहीं करवा पा रहे थे वहाँ पे, तो अब ये कि चारों तरफ पूरे नगर के चारों तरफ की जो सीमा है अब बढ़ गई है, तो निश्चय ही रूप से नगर का चौमुखी विकास होगा। और अब ये यहाँ की आबादी भी लगभग 50,000 थी, अब 1,00,000 के लगभग पहुँच जाएगी, तो ये हमारी बी ग्रेड की नगर पालिका हो जाएगी। तो निश्चय ही शासन से बजट भी मिलेगा तो हम चारों तरफ विकास करवाने में सक्षम रहेंगे। जालौन से दुर्गेश कुशवाहा की रिपोर्ट।